ओके बच्चों, हाँ तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हमने यहाँ कंसीडर कर लिया कि देयर इज अ वेक्टर ए, ये एक वेक्टर ए है। अब क्या करते हैं? ओके 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 तुषार तुषार जयेश जयेश मराठे, ओके वेरी गुड संकेत संकेत। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले वेक्टर ए ले लिया मैंने और फिर मैंने कहा कि ये आपका ये कोई एक वेक्टर क्या है, बी है, ठीक। और अगर मैं पूछूं कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा तो बहुत ही आसान है। ट्रायंगल लॉ मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि पहले फर्स्ट वेक्टर से के हेड से सेकेंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन करने के बाद एंड फाइनली रिजल्टेंट प्लॉटेड फ्रॉम कहाँ, टेल, फ्रॉम टेल टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। ये देखो आपका ये रिजल्टेंट हो गया। तो आप जो ये रिजल्टेंट देख रहे हो, रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू क्या क्या हो गया, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसा हो गया, ठीक। अब आप देखो कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मतलब आपको दिखेगा कैसे, कि कैसे आपको पता चलेगा। अगर यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस होता तो आप कहते कि ए में से बी क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है जो है, है ना, ऐसा आपको फील आता, ठीक है। तो देखो जरा सा यहाँ से कि क्या होगा। अब अगर मैं इस वेक्टर बी को क्या कर दूँ, इसकी डायरेक्शन को बदल दूँ, ठीक है, इसकी जस्ट डायरेक्शन में क्या कर दूँ, इन्वर्टेड कर दूँ। ध्यान से देखना, इसके डायरेक्शन को मैंने इन्वर्टेड कर दिया और ये बन गया क्या आपका माइनस ऑफ वेक्टर बी, ये हो गया माइनस वेक्टर वी। अब जैसे ही ये वेक्टर बी बन गया आपका तो रिजल्टेंट हो जाएगा ये फर्स्ट वेक्टर आपका वेक्टर ए एंड सेकंड वेक्टर माइनस वेक्टर बी एंड रिजल्टेंट प्लॉटेड फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, ये लो आपका रिजल्टेंट हो गया। ओके तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। पहले आप क्या लिखोगे, प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस वेक्टर बी। ओके ओके वेरी गुड सीमा। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ मानसी, वेरी गुड मानसी, वेरी गुड वेरी गुड। गौरव आ गए तुम लोग। तो देखा आपने, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, इसमें मैंने जो है पहले वेक्टर ए कंसीडर किया फिर वेक्टर बी लिया फिर उसका रिजल्टेंट निकाला तो वेक्टर आर इक्वल्स टू क्या आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और फिर मैंने इसी वेक्टर बी की डायरेक्शन को इन्वर्टेड कर दिया तो इसका रिजल्टेंट जो आया वो आ गया वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब जरा सा एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये दोनों दोनों के रिजल्टेंट तो इक्वल हो नहीं सकते, तो इसलिए इसको आर वन से रिप्रेजेंट कर दो और इस वाले को आर टू से, ठीक है। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? और ये जो आपका लेक्चर है कल का रह गया अपलोड करना, वो आज के साथ ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है बच्चों, ये भी आपका अपलोड हो जाएगा और आपको देखने में, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है मानसी, वेरी गुड। मैं फिर से बता देता, तो देखो बच्चों पहले मैंने क्या लिया, वेक्टर ए, फिर मैंने वेक्टर बी को प्लॉट किया। तो ये जब किसी वेक्टर के हेड से किसी वेक्टर का टेल कनेक्ट हो जाए तो रिजल्टेंट प्लॉटेड फ्रॉम कहाँ से, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो वेक्टर इसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया कि दिस इज वेक्टर आर वन, रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर आर वन इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखा आपने, कोई डाउट? नो डाउट, क्योंकि आपने कल ट्राइंगल मेथड सीख लिया था। फिर मैंने इस वेक्टर बी के को इन्वर्टेड कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर बी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर बी। देखो यहाँ से मैंने यहीं से इसके डायरेक्शन को इन्वर्टेड किया, माइनस वेक्टर बी, कलर भी मैंने अलग यूज किया है, तो माइनस वेक्टर बी। अब आपका फर्स्ट वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर ए, सेकंड वेक्टर क्या हो गई, माइनस वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, हो जाएगा फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, क्या हो गया, आर टू इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके तो ये आपका जो है, अब आप इसे देखोगे तो आपको क्या फील दे रहा है, ये कि ये एडिशन है, ऐड हो रहा है, और ये आपको क्या फील दे रहा है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके हाँ हाँ ओके वेरी गुड गौरव, ठीक है मानसी, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया मानसी, ठीक है। ओके 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 वेरी गुड। तो हो गया, समझ में आ गया ये।
अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्लियर हो गया। अब आप यही ग्राफ क्या कर लो, प्लॉट कर लो जो है, ठीक है, कर लिया प्लॉट। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हेडिंग है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, योर न्यू हेडिंग इज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। हम लोग क्या करते हैं जब किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, तो बच्चों जरा सा आप देखोगे कि ये जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है ये क्या है, ठीक है। तो प्लॉट कर लो फटाफट, हो गया प्लॉट, ओके। अब देखना आपकी न्यू हेडिंग आ गई, क्या आ गई, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, योर न्यू हेडिंग इज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ मैं आपको पहले बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से समझाऊंगा इसको कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है जब हम लोग किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिंपल मेथड से समझाता चला जाऊंगा, यहाँ सिर्फ समझ है, यहाँ कोई ज़्यादा थियोरी वगैरह यूज नहीं होती है, ये एक तरह का मैथमेटिकल पार्ट है। यूँ समझ लो कि ये एक तरह का मैथमेटिकल पार्ट है जो फिजिक्स में हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो देखो जो है यहाँ से मान लो कि यू जस्ट इमेजिन दिस इज योर एक्स एक्स, ये आपका एक एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गई। इस एक्स वाई एक्सिस पर एक है आपका वेक्टर पी, दिस इज योर वेक्टर पी, ये वेक्टर पी है विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, ओके ऐसा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इस वेक्टर को आपको रिजॉल्व करना है तो रिजोल्यूशन में देखो क्या क्या आ जाएगा जो है, ध्यान से देखना। रिजोल्यूशन में एक ये देखो जितने एक्सिस के अलॉन्ग है उतने एक्सिस के अलॉन्ग ये क्या होगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये जो हुआ ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किधर गया, ऐसा गया, दिखाई दिया, ये यहाँ हो गया, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऐसा। तो ये अब आपको फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ आपने ए ले लिया, फिर यहाँ पे आपने ओ ए बी और यहाँ पर आपने एक पॉइंट ले लिया सी, ठीक। अब आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ओ ए बी, तो आप बताओगे सिंस इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, तो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ाई है, तो ट्रिगो के हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ से। अगर मैं, अच्छा एक चीज़ और जान लो आप लोग कि यहाँ से वेक्टर OP इक्वल्स टू क्या है, सॉरी OB, O से B, वेक्टर OB इक्वल्स टू क्या है, वेक्टर P। और अगर मैं इसका मॉड ले लूँ OB का कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर P इक्वल्स टू क्या, P, केवल उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा P, ओके। अब देखना जरा सा कि यहाँ से मैं अगर साइन थीटा लेता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मींस ए बी, हाइपोटेनियस क्या आ गया, बोलो बोलो बच्चों, हाइपोटेनियस क्या हुआ, हाइपोटेनियस हो गया ओ बी, और ये सभी क्या हैं, स्केलर में हैं। तो देखना आपको, आपको हमें क्या फाइंड आउट करना है, मतलब हमने साइन थीटा ले लिया तो ये देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी साइन थीटा, ओ बी साइन थीटा, और ओ बी की जो वैल्यू है वो कितनी आई है मैग्नीट्यूड पी, तो ये आ गया बच्चों पी साइन थीटा, ये है ए बी। और यहाँ से ए बी, सिंस ए बी इज इक्वल्स टू क्या ओ सी, तो आप ये दोनों इक्वल है तो ये जो आ गया आपका ये क्या होगा पी साइन थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ गया पी साइन थीटा, ये दोनों इक्वल इक्वल है, ठीक है। अब मैं सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट आ गया पी साइन थीटा, अभी हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। तो यहाँ से अभी कॉस थीटा हम लोग निकालते हैं, तो अगर आप कॉस थीटा ले लो, हमें आपको फाइंड क्या करना है, कॉस, कॉस में आता है बेस, तो बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस कितनी हो गई ओ ए,
हाइपोटेनियस कितनी आ गई, OB, therefore OA is equals to OB cos theta, OA is equals to OB cos theta, ठीक है, गौरव राणे, ठीक है, अभी देखो, therefore R OA, OA जो हमें आपको find out करना है, OA is equals to OB, OB की value कितनी हो गई, P, तो ये हो गया P cos theta, ये हो गया P cos theta, तो आपने देखा इसके दो कंपोनेंट आ गए, एक आ गया, क्या आ गया बच्चों, एक वेक्टर P के दो कंपोनेंट हो गए, एक P cos theta और दूसरा P sin theta, P cos theta and P sin theta, देखा आप लोगों ने, OA और OB की वैल्यू आ गई P cos theta and P sin theta, तो वेक्टर P की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो P cos theta और वर्टिकल कंपोनेंट है वो P sin theta, तो हम लोग इसे एक और फैशन में लिखते हैं कि जो ये P cos theta है, अगर मैं मतलब it can be written as रिटर्न एज क्या कि जो हॉरिजॉन्टल जो x के अलोंग है, मैंने कहा कि ये इसका क्या है px है और ये हो गया p cos थीटा, और जो अलोंग y है मैंने कहा ये उसका y कंपोनेंट है py equals to p sin थीटा, ऐसा हो गया जो है, ठीक है, तो क्या आपने रेजोल्यूशन समझ लिया, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, P का मॉड से सिंपल P में, हाँ बिल्कुल, हमने क्या किया कि ये OP क्या है, बिल्कुल स्केलर है, मतलब मॉड ले लिया, सॉरी OB का हमने मॉड ले लिया, तो वेक्टर P और यही OB इक्वल्स टू क्या है वेक्टर P, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया P आ गया, ओके, तो ये इस प्रकार से हो गया, आपने देखा कि कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व, ये तो मैंने आपको सिखाया, अदरवाइज आप यहीं ऐसा कर सकते थे, P का क्या हो गया P cos थीटा, ये P sin थीटा हो गया, ठीक है, अब मैं आपको, आप नोट कर लो इसको, फिर मैं आपको जो है क्वेश्चन देता हूँ, मतलब एक अलग अलग वेक्टर है उसका आप हमें कंपोनेंट निकाल के बताओ, ओके, तो फटाफट आप लोग सॉल्व करेंगे, ओके, हो गया, कर लिया बच्चों आप लोगों ने, ओके स्टूडेंट्स, हो गया, कर लिया सॉल्व, ओके, चलो देखो मैं आपको अभी फटाफट फटाफट दूसरे और नए वेक्टर लेकर के आपको दिखाता हूं कि कैसे कंपोनेंट निकाले जाते हैं, ठीक है, क्विक फटाफट कैसे कंपोनेंट आप निकालोगे, ओके, अब देखना आप लोग कि अगर मैं यहाँ से कोई एक वेक्टर देता हूँ आपको कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये आपका कोई तो भी वेक्टर क्या है क्यू है, ये वेक्टर क्यू है और इसने यहाँ से कितनी एंगल बना ली, ऐसा मान लो फाई बना लिया, तो सिंपल आपको तुरंत क्या करना है, ये क्या हो जाएगा क्यू एक्स इज इक्वल्स टू Q हॉरिजॉन्टल है तो Q cos phi एंड वर्टिकल वाला हो जाएगा ये वर्टिकल वाला QI equals to Q sin phi, आया समझ में आपको, ये रिजॉल्व करते आया, हो गया बच्चों रेजोल्यूशन समझ में आ रहा है कैसे इस तरीके से रिजॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, आया समझ में कि क्या करेंगे हम लोग इसको रिजॉल्व करके, ओके हो गया गौरव, वेरी गुड गौरव, अब चलो देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं कि जो है ये QI equals to Q sin phi, QX equals to Q cos phi, ये अगर आपका आ गया, अब मैं आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, इसका मतलब आप ये बताने के बाद समझ लो आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, अब आप लोग मुझे लिख के भी भेजोगे इसलिए मैं बिल्कुल ईजी वेक्टर लिखूंगा,
ठीक है, बिल्कुल आपको इजी वे में आंसर देना है कि इमेजिन करो कि ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है और ये वाली आपकी क्या है वाई एक्सिस है और एक है वेक्टर ए, ये है आपका वेक्टर ए, समझ गए क्या? अब आपको ये बताना है कि लेकिन ये यहाँ से एंगल थीटा बनाता है, कहाँ से वाई एक्सिस से। अब आपको बच्चों ये बताना है कि इसका एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट और वाई के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या क्या आएगा, कौन बताएगा? मैं आपके आंसर का 30 से 40 सेकंड तक वेट करूंगा, 30 सेकंड तक, कि ये वेक्टर ए है लेकिन यहाँ इस बार एंगल कहाँ से बना है, वाई एक्सिस से, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से उसने थीटा एंगल बनाया, तो आपको इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बताना है। तो कौन बताएगा ये, कौन स्टूडेंट है जो इसे बिल्कुल क्लियर कट समझाएगा? सोचो, फटाफट स्टूडेंट जोर लगाओ, जल्दी से पावर लगाओ अपनी, बताओ मुझे कितना आएगा। एनीबडी? लेकिन ये इधर से थीटा है, याद रखना। क्या आया बच्चों? एक्स का ए साइन तुषार पाटिल, ए साइन एंड वाई का ए कॉस, वेरी गुड। एक्स कंपोनेंट आएगा, ठीक है ठीक है, ए वाई, ए वाई कॉस थीटा, अच्छा। और जितेंद्र माली, अलॉन्ग एक्स एक्सिस ए साइन थीटा एंड लॉन्ग वाई एक्सिस इज ए कॉस थीटा, वेरी गुड जितेंद्र। जितेंद्र आपको मैं अपना व्हाट्सएप एक बार फिर से क्लियर करता हूँ, ठीक है? हो सके अगर आपको इच्छा है तो मुझे एक जो है व्हाट्सएप पे बस केवल आप जितेंद्र ऐसा भेज देना, हाय सर आई एम जितेंद्र माली, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9579834805, 9579834805, 9579834805, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको बस क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, ठीक है? अगर आप जलगांव से हैं तो आप मुझे एक व्हाट्सएप कर दीजिए, तो फिर हम लोग जो है ताकि जब भी मैं पेपर लूँ तो आपको जो है पेपर इजी वे में भेज सकूँ। समझ में आ रहा है जितेंद्र? जब भी मैं पेपर लूँगा तो कैसे आपसे पेपर लूँगा, जैसे मैंने आज ट्वेल्थ वालों की क्लास नहीं ली है, आज उनका मैंने पेपर लिया है, और मैं आपको अभी ये जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स का पूरा पार्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है बच्चों, तो ये जो मेरे पास पेपर्स हैं वो जेई और नीट के रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि काइनेमेटिक्स पूरा मिक्स, मतलब 1-2 दोनों ही लगभग लगभग मिक्स रहते हैं, इसलिए जो है क्या रहेगा, मतलब आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, दोनों चैप्टर, और जिस दिन ये दोनों लेसन हो जाएंगे तो फिर आप जो है आसानी से मतलब मेरे पेपर को दे पाएंगे जो है, और बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए। जैसे वेक्टर ख़त्म हुआ और थोड़ा सा मैंने एक दो दिन लिया जो है आपका ये टू डायमेंशन मोशन, बस आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर आपको टर्न बाय टर्न एक एक पेपर देते चले जाना है जो है, और फिर प्रोजेक्टाइल होगा तो उसका भी पेपर होगा, मतलब ऐसे फिर एक लाइन लग जाएगी। अब समय आ गया जो है, तो देखना जरा सा ये वेक्टर ए का जो है, कुछ नहीं आपको सिर्फ मैथमेटिकली सोचना था, ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये वाली एंगल कितनी होगी 90 माइनस थीटा, तो कुछ नहीं, ये आपके लिए ए है, ये क्या हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू ए कॉस, यहां से कितना एंगल बना 90 माइनस थीटा। अब आपको पता है कि ये जो है एक्स इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या, साइन थीटा, देयरफॉर ए क्या हो जाएगा साइन थीटा। सिमिलरली यहां से ए वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा।
तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताया था। ओके, देख लो आप सभी लोग अपने अपने आंसर मैच करा लो, ठीक है। आप सभी लोग अपने अपने आंसर मैच, ठीक है गौरव, वेरी गुड, ठीक है। तो आपने देखा कि, और वैसा आप अगर समझो, इसका मतलब यहाँ से एक एक चीज़ साबित होती है कि जिस तरफ एंगल दिया होगा, मतलब अगर ये कहीं पर ये दो दो एक्सिस है और ये एक वेक्टर है और कोई एंगल नहीं दिया और आपको रिजॉल्व करना है, तो इसका मतलब जिस तरफ एंगल है वही क्या होगा, कॉस होगा और ये साइन होगा। कुछ लोग उसको याद कर लेते हैं, एक्स के लॉन्ग साइन कॉस होता है और वाई के लॉन्ग जो है साइन होता है। ऐसा कुछ नहीं, वो एंगल पर डिपेंड करता है, कौन किधर एंगल है उसके हिसाब से निकालना पड़ता है। ओके, आ गई बात समझ में आप लोगों को। अब आप देखो जो है ये आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला पार्ट अच्छे से क्लियर कर दिया जो है। अब मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, यूनिट वेक्टर के बारे में जो है, ठीक है। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे यूनिट वेक्टर, सभी बच्चे हेडिंग डाल दो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स। Your new heading is unit vector. ठीक है, अभी देखना, अब ये हो गया unit vector, unit vectors या unit vector जैसे भी आपको समझ में आए, ठीक है, दोनों चल जाएगा। तो देखो यहां से जो हम लोग यूनिट वेक्टर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर क्या है, जैसा कि आपको नाम से पता है, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर, जैसे आपने पढ़ा था नल वेक्टर तो या जीरो वेक्टर, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, वो क्या हो गया, जीरो वेक्टर। और ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, वन हो, उसे हम आप क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो आप नोट करेंगे, अ सच टाइप ऑफ वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन रखता है। नोट करो, अ सच टाइप ऑफ वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अ सच टाइप ऑफ वेक्टर, लिख दो ऐसा, अ सच टाइप ऑफ वेक्टर्स विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड यूनिट वेक्टर, कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जनरली इट इज डिनोटेड बाय, जनरली इट इज नोटेड बाय, ऐसा हम लोग ऐसा n, क्या n कैप, जनरली इट इज नोटेड बाय n कैप। क्या लिखा आप लोगों ने बच्चों, n कैप। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, दैट इज क्या कि एक बात तो साबित हो गया कि किसी वेक्टर में दो पार्ट होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। तो जो वेक्टर ए है, दैट इज वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, इसमें दो पार्ट होंगे, एक उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मैं मॉड ले लूं, और इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर क्या, एन कैप। मतलब कि अगर ये वेक्टर ए है ऐसा, तो यहां से यहां तक जो ये इसकी लेंथ है, ये क्या है, ए है, और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला क्या है, कोई तो भी एक वेक्टर है एन कैप, कोई तो भी एक वेक्टर है जो कि है एन कैप। और जरूरी नहीं है एन कैप, आप ये फिजिक्स है, यहां कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, यहां आप कुछ भी कंसीडर करने के लिए बिल्कुल क्या है, फ्री हैं।
केमिस्ट्री में अगर एल्यूमिनियम का AL है तो वहाँ AL ही लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी लेकर के बस वहाँ आपको बताना पड़ेगा कि दिस लेटर रिप्रेजेंट दिस, तो वहाँ पे आपको बता देना है जो है। तो जरा देखना, वेक्टर A इक्वल्स टू मॉडा वेक्टर A इंटू एन कैप, देयरफॉर एन कैप यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर A अपॉन मॉडा वेक्टर A, दोनों ही आपको याद रखना है। देखो यहाँ से तो ये आपको क्लियर हो गया कि किसी वेक्टर में दो पार्ट होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया, मैग्नीट्यूड मतलब ए, डायरेक्शन मतलब एन कैप। ओके, एन कैप उसके पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये यहाँ से आपको ये बात जो है क्लियर हो गई। ध्यान से देखना, ये आपको क्लियर हो गया कि ये इस तरीके से यूनिट वेक्टर होता है। इसका मतलब मैं कुछ भी आपको एग्जांपल दे दूं कि कोई वेक्टर P है, कोई वेक्टर क्या है P है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉडा वेक्टर P इंटू एन कैप। इसके इक्वल तभी ये नोट किया लिखा जा सकता है जब उसका मैग्नीट्यूड साथ साथ उसकी डायरेक्शन को आप रिप्रेजेंट करें। देयरफॉर एन कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर P अपॉन मॉडा वेक्टर P। ठीक है, ऐसा बिल्कुल इसी जैसा। अब आप P लो, B लो, Q लो, कुछ भी लो, ऐसा जनरल मेथड में तो ऐसे ही आपको बताना पड़ेगा। ओके, तो क्या आप लोगों को सब ये बातें समझ में आने लग गई? ओके, क्लियर हो रहा है। अब आप यहाँ इस यूनिट वेक्टर में आप एक नई हेडिंग डालेंगे, कौन सा, आगे बढ़ो यूनिट वेक्टर में। अब आप लोग कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके ओके वेरी गुड, हाँ समझते चलो। अब आप देखोगे कि कुछ तो हमारे यूनिट वेक्टर बच्चों इस प्रकार के ऐसे हो गए थे, ठीक है, जो आपने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया। और ये आपको वीडियो फिर से एक क्लास इलेवेंथ क्या लिखा होगा, लाइव क्लास इलेवेंथ ऐसा लिखा होगा उस फोल्डर में, ये जो है क्या होगा आपको, ये कल वाला भी रिकॉर्डेड है और आज वाला भी जो है आपको मिल जाएगा। और सब जो है ये कैमरे की रिकॉर्डिंग की कैपेसिटी 30 मिनट की होती है, और लोग जो है क्या करते हैं उसको एडिटिंग करते हैं, मैं कभी एडिट नहीं करता क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, जो है सो है, जो आपको पढ़ा रहा हूँ जैसे कर रहा हूँ वैसा ही वीडियो मैं क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि n कैप इक्वल्स टू वेक्टर a अपॉन मॉडा वेक्टर a, और ये अगर कोई वेक्टर p है तो n कैप इक्वल्स टू वेक्टर p अपॉन मॉडा वेक्टर p, मतलब कोई भी वेक्टर हो उसके दो पार्ट होंगे, एक क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका क्या होगा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर। ओके, तो अब मैं अगर बात करूं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक, तो जब एक्स वाई और जेड एक्सिस आया, मतलब कोई एक ऐसा वेक्टर जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, तो फिर क्या हम ऐसा एन कैप रिप्रेजेंट कर सकते थे हम लोग? नहीं, क्योंकि अब उसमें क्या था, एक्स भी था, वाई भी था और जेड भी था। तो उसको समझने के लिए, बताने के लिए हम लोगों ने जो है तीन अलग तरह के यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया, एक्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, जे कैप रिप्रेजेंट वाई एक्सिस एंड के कैप रिप्रेजेंट जेड एक्सिस। ओके, तो अभी आप लोग थोड़ा सा और आगे नोट करेंगे। अब आप नोट करो कि सिंस ऐसा, यहां से स्टार बना के, स्टार बनाते हुए आप नोट करेंगे, ये तो ऐसा जनरल था, ये जो मैंने आपको बताया जनरली यूनिट वेक्टर यही होता है, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी यही है। बस फर्क इतना है कि ये क्या कर रहा है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसमें जो है, वहाँ पर हमारा ऐसा एन कैप से काम नहीं चल सकता, क्योंकि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में वो उसके कंपोनेंट रहेंगे। तो उसको ऐसा एन कैप मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हो, एक ही डायरेक्शन और एक ही चीज, वहां सिर्फ ये मैसेज दे रहा है कि ये इस डायरेक्शन को जा रहा है। लेकिन अगर इसी बात को ये बताना हो कि ये इस फ्रेम में है, ऐसे फ्रेम में है जहां एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस है, या एक्स वाई एक्सिस है, या केवल एक्स एक्सिस है, ठीक है, या केवल वाई या केवल जेड एक्सिस है, तो क्या होगा। तो ऐसे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन यूनिट वेक्टर बनाए, कंसीडर किया, एक आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, जे कैप रिप्रेजेंट वाई एक्सिस एंड के कैप रिप्रेजेंट जेड एक्सिस। तो ठीक है, आप लोग जो है अभी नोट करेंगे फटाफट आगे कि यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, सिंस यूनिट वेक्टर्स फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर डिनोटेड बाय
of a rectangular coordinate system are denoted by I cap, comma, J cap and K cap respectively. I cap, J cap and K cap respectively. Okay. है ना, respectively.